हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पर आप सभी के स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं दिवाली स्पेशल मिठाई, ये काजू कतली। काजू कतली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और सभी को ज़्यादा पसंद है। तो प्लीज़ वीडियो के शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 250 ग्राम काजू ले ली हूँ, और काजू के दो पानी अच्छे से रगड़ के हाथों से मसल के इसको अच्छे से धो देंगे। धोने के बाद ये गंदे पानी दो पानी निकल जाएगा, दो बार धोएंगे तो बहुत ही अच्छा से, और 2 घंटे के लिए इसको फूलने के लिए रख देंगे। जब 2 घंटा हो जाए तो काजू फूल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर आप चाहें तो ऐसे पाउडर भी बना के बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फुला के ही बना रही हूँ। फुला के आसान है, बिल्कुल आसान तरीक़े से बना रही हूँ। और काजू तो सभी के घर में मिलता है, बिल्कुल कम चीज़ों से आसान तरीके से काजू कतली बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट बना ली हूँ, और इसमें आप अपने मीठा के अनुसार से आप चीनी डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ आधे कटोरी चीनी डाली हूँ, ताकि ज़्यादा मीठा काजू कतली थोड़ा हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से इसी में पेस्ट बना लूँगी, मिक्सी एक बार चला दूँगी। तो यहाँ देखिए दोनों चीज़ पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर कढ़ाई गरम कर चुकी हूँ। अब 1 चम्मच इसमें घी डालूँगी। अब बिल्कुल अच्छे से कढ़ाई गरम कर लूँगी। कढ़ाई गरम करने के बाद इसको, ये पेस्ट को इसी में मिला लूँगी, कढ़ाई में डाल दूँगी। अब बिल्कुल इसको चलाते ही रहूँगी, ताकि नीचे से लगे ना कढ़ाई में। अगर छोड़ देंगे चलाना तो नीचे से लग जाएगा कढ़ाई में, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो ये चलाते ही रहेंगे बिल्कुल अच्छी तरीक़े से। ये देखिए एकदम मिक्स करते ही रहेंगे, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए पेस्ट, तब तक इसको बिल्कुल तरीक़े से चलाते ही रहेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो मिक्सी के जार में थोड़ा सा बचा हुआ था, उसका घोल के डाल दी हूँ पानी से। देखिए अब सारे को अच्छे से हम मिक्स करते ही रहेंगे, जब तक ये गाढ़ा ना होगा तब तक हम मिक्स करते ही रहेंगे। तो यहाँ पर चलिए आप सभी को बता रही हूँ कि काजू कतली हमारे बच्चों के बहुत ही पसंद है, अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी इस टाइम में आप बाहर से ख़रीदिए तो बहुत ही महंगा मिलता है, ये कम टाइम में और कम चीज़ों से बिल्कुल घर में बाजार के जैसे आप काजू कतली बना सकते हैं। आप चाहें तो चांदी के रेप पर लगाएं, या नहीं भी लगाएं तो चल सकता है, क्योंकि काजू कतली के स्वाद तो एक ही आएगा। जैसे आप चांदी के रेपर लगाएं या नहीं लगाएं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेस्ट एक ही आता है, तो इसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये पेस्ट गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें 1 से 2 चम्मच घी डाली हूँ। घी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी, बिल्कुल अच्छी तरीक़े से मिक्स कर दूँगी। जब तक बिल्कुल तरीक़े से गाढ़ा ना हो तब तक इसको मिक्स करते ही रहूँगी, छोड़ूँगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लगना नहीं चाहिए बिल्कुल कढ़ाई में। बहुत ही अच्छा से इसको मिक्स करते ही रहूँगी। देखिए यहाँ पर जब तक ये हाथ में लोई न बन जाए तब तक इसको मिक्स करते ही रहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डाली हुई इलायची पाउडर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी हो तो चल सकता है, क्योंकि कोई ज़रूरी भी नहीं है। यहाँ पर मेरे पास था तो मैं डाल दी हूँ। और यहाँ देखिए इसको मिक्स करते ही रहूँगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद मैं देख रही हूँ कि गोला बन रहा है कि नहीं। देखिए जब ठंडा होगा हाथों में तभी जाके गोला बन सकता है, गीला रहेगा तो गोला नहीं बनेगा। एक चीज़ के बिल्कुल ध्यान रखिएगा लो, बिल्कुल अच्छी तरीके से गाढ़ा करिएगा, ताकि मतलब गोला बन जाए हाथों में। जब गोला हाथों में बन जाएगा तो समझ जाइए कि पेस्ट गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका काजू कतली बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ये पेस्ट बन के रेडी हो गया है, गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ कढ़ाई को मैं गैस से नीचे उतार चुकी हूँ, और इसी में इसको मिक्स करते ही रहूँगी ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होगा तब तक यहाँ पर मैं थाली रखूँगी, और थाली में 1 चम्मच घी डालूंगी, और ब्रश से पूरे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसमें जो मैं पेस्ट रखूँ सो चिपक ना पाए,
बिल्कुल अच्छी तरीक़े से इसको मिक्स कर दी, और ये जो पेस्ट बना हुआ है, गढ़ा हुआ है, इसको इसी थाली में निकाल दूँगी, और निकालने के बाद पूरे थाली फैला दूँगी, अच्छे से इसको ठंडा कर लूँगी। यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बटर पेपर ले ली हूँ और इसमें एक चम्मच घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये ब्रश से पूरे अच्छे तरीके से मिला दूँगी, और यहाँ पर जितना पेस्ट ठंडा हुआ है इसको अच्छे से ये बटर पेपर रख के, और बटर पेपर के सहारे से इसको उलट पलट करके गोला बना दूँगी बिल्कुल अच्छी तरीक़े से, और बेलन के सहारे से इसको हल्का बेलन के सहारे से इसको बेल देंगे बिल्कुल तरीक़े से, नहीं ज़्यादा मोटा नहीं ज़्यादा पतला, मीडियम साइज में हम यहाँ पर बेल देंगे। तो यहाँ देखिए गोला बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर शेप बना दूँगी बिल्कुल अच्छी तरीक़े से। ये जो छुन्नी है इसके सहारे से बिल्कुल अच्छी तरीक़े से साइड साइड से फट ना पाए, इस वजह से मैं बिल्कुल तरीक़े से हल्का हल्का बेलन के सहारे से हम बेल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा से बेल के रेडी हो जाएगा। अब इसको चाकू के सहारे से काट सकते हैं, अगर आपके पास कटर होगा तो कटर के सहारे से काट सकते हैं, और मेरे पास कटर नहीं है तो यहाँ पर चाकू के सहारे से काट लेती हूँ। आप अपने हिसाब से शेप रख सकते हैं, बड़े छोटे जैसी आपकी मर्जी हो उस हिसाब से आप शेप रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए काजू कतली बिल्कुल शेप में मैं कट करके रेडी करने वाली हूँ बिल्कुल अच्छी तरीक़े से। तो यहाँ पर कट के रेडी हो गया। अब ये मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और थोड़ी देर के लिए मैं ये फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छे से ये जम जाए और थोड़ा सा टाइट हो जाए। इसके लिए बिल्कुल अच्छे तरीक़े से रेडी हो चुका है, मैं फ्रिज से निकाल चुकी हूँ, बिल्कुल अच्छे से जम के रेडी हो गया है। यहाँ देखिए प्लेट में सारे मैं सजा ली हूँ बहुत ही अच्छा से, काजू कतली इतना अच्छा से बन गया है शेप में जो बहुत ही अच्छा, क्या ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी। एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। देखिए यहाँ पर तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा से बना है। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, जाले एक लाइक तो ज़रूर ही करिएगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलती हूँ आप लोग के अगले वीडियो पे।